कोका कोला की खोज करने वाले जॉन पेम्बरटन अमेरिका के एक विद्रोही सैनिक थे। का सबसे पहला कोका कोला जो जॉन पेम्बरटन ने अपने हाथों से बनाया था वह कोका दरअसल वाइन के ही फार्मूले पर बनाया गया। 1903 तक कोका कोला में कोकीन मिलाया जाता था, लेकिन 1904 में कोका कोला से कोकीन अलग कर दिया गया। तो गाइस हम बात करने वाले हैं कोका कोला के शुरुआती स्टेज की। गाइस ये घटना 1865 ईस्वी की, जब अमेरिका में गृह युद्ध के हालात हो गए थे और जॉन पेम्बरटन नाम का एक लेफ्टिनेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से विद्रोह कर डाला था और वह विद्रोह के दौरान घायल भी हो गया था। युद्ध के दौरान लगी चोटें और उसके जलन की वजह से उसका इस दुनिया में जीना तक दूभर हो गया था और दर्द की राहत पाने के लिए वह ड्रग्स के भी शरण में चला गया था। जब उसका दर्द शांत हुआ तो उसे प्रतीत हुआ कि वह तो ड्रग्स के पूरी तरीके से गिरफ्त में जा चुका है। उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि मानो आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, और वह अफीम का एक ऐसा विकल्प तराशने लगा जो ना जहरीला हो, ना नशीला हो और ना ही जानलेवा हो। और जॉन पेम्बरटन आर्मी ज्वाइन करने से पहले फार्मेसी का भी एक कोर्स किया था और उन्होंने फार्मेसी से ही अपना इलाज और अपना जीविका उपार्जन करने की सोची। इसी दौरान उन्होंने बहुत सारी दवाइयां बनाई, लेकिन उनका एक भी प्रोडक्ट चला नहीं और ना ही उनको अफीम का कोई विकल्प मिला। और वे थक हार कर अमेरिका के एक बड़े से शहर एटलांटा में चले गए और वहां पे उनकी मुलाकात उनके तीन और दोस्तों से हुई। फिर उनके कंपनी में चार लोग हो गए और फिर से उन्होंने दवाइयां बनाने की सोची, फिर भी उनकी दवाइयां नहीं चली। फिर वे थक हार कर सर्विस सेक्टर में अपना हाथ आजमाने को सोची और उन्होंने सोडा फाउंटेन बनाकर बेचना शुरू कर दिया। शुरू में सोडा फाउंटेन तो बहुत ही अच्छा चला, लेकिन बाद में वह भी फ्लॉप हो गया। लेकिन 8 मई 1886 को जॉन पेम्बरटन ने एक ऐसे ड्रिंक की आविष्कार करी जिसने पूरे ड्रिंक इंडस्ट्री को ही बदल करके रख दिया। बाद में उसी ड्रिंक का नाम कोका कोला पड़ा। लेकिन बाद में 1892 में आशा ग्रिस कैलेंडर ने पूरे कोका कोला को ही खरीद लिया, जिसके बाद इस पूरी दुनिया में ओके के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द कोका कोला बना। इस दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाला ड्रिंक भी कोका कोला बना। और गाइस कुछ ऐसे ही दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली ड्रिंक की कहानी की शुरुआत हुई और जिसका दस्तूर अभी भी इस दुनिया में जारी है। क्या बोलता है कि कोका कोला की खोज करने वाले जॉन पेम्बरटन अमेरिका के एक विद्रोही सैनिक थे और वे 1865 के गृह युद्ध के दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट से विद्रोह किए थे। क्या बोलता है कि कोका कोला के शुरुआती स्टेज पर कोका कोला को एज वाइन रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रमोट किया गया था, यानी कि अगर आपको वाइन का रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप कोका कोला पी सकते हो। क्या बोलता है कि दुनिया का सबसे पहला कोका कोला जो जॉन पेम्बरटन ने अपने हाथों से बनाया था वह कोका दरअसल वाइन के ही फार्मूले पर बनाया गया। क्या बोलता है कि 1903 तक कोका कोला में कोकीन मिला जाता था, लेकिन 1904 में कोका कोला से कोकीन अलग कर दिया गया था। क्या बताया कि कोका कोला का सबसे पॉपुलर स्लोगन है ठंडा मतलब कोका कोला, यानी कि यदि आपको ठंडक चाहिए तो आपको कोका कोला लेना पड़ेगा। पता ही होगा कि बिजनेस में यदि आप अपने प्रोडक्ट को किसी जरूरत के चीज से रिलेट कर देते हो तो आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए कोई रोक नहीं सका। जैसे बिस्कुट का नाम सुनते ही हमारे मन में पार्ले जी का नाम आता है, नमकीन का नाम सुनते ही हमारे मन में हल्दीराम का नाम आता है, वैसे ही ठंडा का नाम सुनते ही हमारे मन में कोका कोला का नाम सबसे पहले आता है। दुनिया के कुछ और क्रांतिकारी आविष्कारों के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर देना, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना।